हेलो गाइस, तो मेरा नाम है एवा से और आज मैं GTA लिबर्टी सिटी स्टोरीज खेल रहा हूँ। मैं ये मोबाइल पे खेल रहा हूँ, तो ये मैंने वॉइस ओवर कर रहा हूँ मैं ये वीडियो के ऊपर। और मैंने ये कटची यहाँ पे इसलिए कट कर दिया कि मैं मिशन रीट्राई कर रहा हूँ, मैं पहले फेल कर चुका हूँ। तो इस मिशन के अंदर अभी हम डोनाल्ड डव के का मिशन कर रहे हैं। हम कुछ उसके मेहमान हैं, उनको लेने जाना है। हमने मेहमान की डेड बॉडीज देने जानी है हमने मेहमानों की। तो मैं जो मैंने ट्रिक यूज़ की है यहाँ पे फास्ट जाने की, ये मैंने खुद नहीं बनाई, मैंने ये यूट्यूब से निकाली थी, क्योंकि इतना मैकलमंद नहीं हूँ अभी। तो मैं अभी वही ढूंढने जा उनको ही ढूंढ रहा हूँ, और रास्ते में यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। तो फाइनली मुझे यहाँ पे मिल जाती है एम्बुलेंस, तो मैंने पहले से जल्दी ढूंढ लिया है। तो इसके अंदर एवरी एक लिंकन की डेड बॉडी है मेरे ख्याल से। अभी वॉइस लाइन सुन सकते हैं। He's wearing a wig. और मैं यह मिशन फेल करते करते बचाऊं। यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली फर्स्ट बॉडी पे पहुँचा दी है। अब मैं सेकंड बॉडी लेने जा रहा हूँ, तो एक और छोटा सा टाइम लैप्स ही हम टाइम लैप्स ही कह सकते हो आप आएगा अभी। और यहाँ से आप ये ग्लिच था या कोई ट्रिक थी मुझे पता नहीं चला, यहाँ से आप देखेंगे अभी इस पोल से मैं कैसे गुजरता हूँ। यहाँ से मैंने आप स्पीड स्लो की ताकि मैं गिरूँ ना यहाँ से। और ये और यहाँ से मैंने अपनी खुद की ट्रिक बनाई हुई है, मैं यहाँ से जंप कर लेता हूँ डायरेक्ट। इस बार ये अगर मैं शायद थोड़ा घूम के आता तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता, लेकिन मैंने तो अपनी ट्रिक यूज़ की जंप करके। हेल्थ लो होती है लेकिन ये ज़्यादा मज़ेदार लगता है ऐसे जंप करना उससे घूम के उस राउंड ऑफ से जाने का, मुझे तो ये ट्रिक ज़्यादा अच्छी लगती है। और अब मैं उसकी बॉडी ढूंढ रहा हूँ, तो चर्च के पास है ये, इस जिसकी भी बॉडी हम लेने मैं लेने जा रहा हूँ उसके लिए मैंने पहले काम किया था। वो अंडरकवर एक गॉडफादर को ही बना हुआ था, उसकी मैंने काम किया था, अभी उसकी डेड बॉडी मैं लेके जा रहा हूँ। ये एक रिपोर्टर था, इसने मैंने ईवरी क्लिंगटन को जब मैंने मारा था इसने उसकी फ़ोटोज़ लेनी थी, तो उस फोटोज़ को छुपाने के लिए ताकि ये मीडिया में ना फैलाए तो मैंने उसको मार दिया। अभी उसको छुपाने के लिए इसकी डेड बॉडी में लेके जा रहा हूँ। अब पता नहीं डोनाल्ड लव करता क्या है इस डेड बॉडी से, मुझे खुद नहीं पता क्या करेगा ये।
और मेरी 2 स्टार्स पुलिस पीछे लगी हुई है। इधर तो मुझे सही में लगा था कि मिशन गया, सीधी होने वाली थी, लेकिन पुलिस ने वापस टेढ़ी करके वापस सीधी कर दी। पुलिस लॉजिक यहाँ से फिर मैं स्लो जा रहा हूँ भी ताकि वापस ना गलती हो जाए गाड़ी। तो एक और टाइम लैप्स आ रहा है अभी, एंजॉय। तो आखिर में मेरे पास म्यूज़िक ख़त्म हो गया था टाइमलेस में लगाने के लिए, तो मैंने वापस रिकॉर्ड करने की ज़हमत नहीं की। और यहाँ पे मैंने ये बॉडी भी पहुँचा दी है और कोई वॉइस लाइन नहीं थी यहाँ पे, बस मिशन पास। तो अब यहाँ पे फ़ोन कॉल आएगी तो आप सुने, तो आगे मैं बाद में बात करता हूँ। टोनी, डोनाल्ड हियर। If the Pan-Atlantic deal is to come to fruition, we're going to need to, how can I put this delicately? Clear a small section of land in Fort Stark. Yeah, when you say we, you mean me, right? Tony, you see right through me. Go and see 8-Ball. I'm sure he can provide us with the necessary hardware. So now we have, Tony Cipriani ne Fort Staunton ka thoda sa हिस्सा उड़ाना है और सिर्फ ख़त्म करना है। तो अभी मैं 8-Ball से मिलने जा रहा हूँ, उसके पास थोड़े हैं एक्सप्लोजन्स हैं, थोड़े हार्डवेयर है उसके पास। तो ये गाड़ी मुझे ना अच्छी लगी, इसकी ब्रेक्स बहुत अच्छी थी और टर्निंग भी अच्छी थी। मैं वापस ये ढूंढूंगा गाड़ी। तो अभी मैं 8-Ball के पास ही जा रहा हूँ। Donald sent me to pick up some hardware. All right, I got what you boys need, but it's gonna cost. Don said you'd pay me up front and he'd reimburse you later. Yeah, I bet he did. You take a check? Yeah, right. Why don't you make it out to kiss my ass? तो 8-Ball को हार्डवेयर के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे 20,000, 20,000। मेरे पास सिर्फ 15,000 हैं क्योंकि मैंने सारे गन्स पे खर्च कर दिए एमओ के लिए। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा क्योंकि GTA गेम्स के अंदर ज़्यादातर पैसा फालतू ही होता है, शुरू में आपको मिल जाता है, उसके बाद आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बट ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपको पैसे देने पड़ते हैं। GTA 3 में मेरे ख्याल से यही कॉन्सेप्ट है। तो पैसों का इंतज़ाम अगले एपिसोड के अंदर करेंगे। टिल देन, अडियोस अमिगोज़।